हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है SE। ई जो है वो हमारा सबस्क्रिप्ट में है नीचे की तरफ। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वीक इलेक्ट्रोफाइल्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबस्ट्रेट है हमारा RX, जिसमें X जो है वो हमारा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। LG से दिखाया हुआ है हमने यहाँ पे। अब RX सबस्ट्रेट का रिएक्शन E इलेक्ट्रोफाइल से कराया है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट से X को बाहर कर दिया है X प्लस फॉर्म में, और हमारा प्रोडक्ट बन गया है RE। तो X को सब्स्टिट्यूट किया है, रिप्लेस किया है इलेक्ट्रोफाइल E ने, और प्रोडक्ट बनाया हमारा RE। तो आप देख पा रहे हैं कि जो X प्लस बाहर निकला है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल था, बाहर निकलने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या बोलिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिएक्शन जो है, इट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर्मिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। आप जानते हैं कि सब रिएक्शंस में कोई ना कोई इंटरमीडिएट जरूर बनता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तो यहां पर जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा डेट विल बी कार्बन आयन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट है SE1, सेकंड है SE2 और थर्ड है SEI। तो जो पहली वाली, इसकी नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो नेमिंग के लिए हमको 1ES कुछ ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो 1 for यूनिमोलिकुलर, E for इलेक्ट्रोफिलिक और S for सब्स्टिट्यूशन। तो पूरा नाम क्या होगा SE1 का, यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं SE2, तो वापस चलना पड़ेगा 2ES, यानी कि 2 से तो होगा बाईमोलिकुलर, E से होगा इलेक्ट्रोफिलिक, S से होगा सब्स्टिट्यूशन, बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब होगा SEI, तो उसको बोलेंगे I for इंटरनल, E for इलेक्ट्रोफिलिक, S for सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का थर्ड टाइप होता है। क्या वो क्लियर है? देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं फर्स्ट टाइप, जो कि हमारा था SE1 रिएक्शन। तो यहाँ पे SE1 जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। अब इसकी जो स्टडी करेंगे वो पॉइंट वाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट जो रहेगा, दे आर नेम्ड एज यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि इन रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों कहते हैं। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे RX का रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल से, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन में ये हमारा हेटरोटिक क्लीवेज हुआ, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये R की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो R पे चार्ज कौन सा आएगा, आप जानते हैं R विल एक्वायर माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर R माइनस और इलेक्ट्रोफाइल में रिएक्शन हुआ और बन गया प्रोडक्ट हमारा RE। और जो हमारा X प्लस है ये लिविंग ग्रुप X प्लस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्या आपको क्लियर है? SE1 इज सिमिलर टू SN1 रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एनालोगस होती है, उसी की तरह होती है, सिमिलर होती है। अब इसका रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन जो बनेगा इस रिएक्शन के लिए, वहां पर रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन। आप देख पा रहे हैं सब्सट्रेट को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, इसका मतलब होता है एक्टिव मास और मोलर कंसेंट्रेशन, यानी रिएक्शन का रेट जो है वो केवल RX सब्सट्रेट पर ही डिपेंड कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। आप उसकी कंसेंट्रेशन कम लीजिए, ज्यादा लीजिए, रिएक्शन के रेट पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, RX का फर्क पड़ेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू द R माइनस। क्या वो क्लियर हुआ? R माइनस बोले तो कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो कार्बन आयन पे भी डिपेंड करता है। और सिंपली आप इसको R प्रोपोर्शनल टू द
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन आयन भी कह सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ ये। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर यहाँ पे जो रेट है, आप जानते हैं ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमको उस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, रेट फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस रिएक्शन के रेट फॉर्मूले के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर 1 दिखाई दे रही है आपको, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा। तो आपको क्लियर हुआ कि इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो केवल एक तरह के कंपाउंड पे, एक तरह के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए कहलाता है यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे लेते हैं, SE1 टेक्स प्लेस इनटू टू स्टेप्स। और मैकेनिज्म में जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि SE1 कितने स्टेप में होता है। तो आपने ऊपर देखा था कि SE1 जो होता है इट इज सिमिलर टू SN1। आपने देखा था कि ये जो होते हैं इसमें सिमिलरिटी शो करती है SN1 की तरह। तो यहाँ पे आपको पता है कि SN1 दो स्टेप में होती है, तो SE1 भी जो है हमारी दो स्टेप में होने वाली है। पहला स्टेप रहेगा, स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप, सो इट विल बी RDS। आपको पता है कि पहले स्टेप में, पहला जो स्टेप होता है उसमें बॉन्ड क्लीव होते हैं, बॉन्ड क्लीव से हमारे बनते हैं इंटरमीडिएट, और ये स्टेप में टाइम लगता है, स्लो होता है, और यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, तो सारे बैरियर पार करने में टाइम लगता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और RDS। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं आयन्स आपस में कंबाइन होकर देते हैं प्रोडक्ट। अब लेते हैं फॉर्मिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हेटरोटिक क्लीवेज होगा और उससे हमारा बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि SE1 के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एलिफेटिक एसिड, हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन्स, नाइट्रोजेशन, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और छूट गया है, उसको आप बोल सकते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो SE1 को शो करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ SE1 कि SE1 रिएक्शन होती कैसे है। ये दो स्टेप जो आपने बोला है कि स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है, ये एक्चुअली होते कैसे हैं, तो आइए जानते हैं। पहला स्टेप लेते हैं, आपने देखा पहला स्टेप जो था वो स्लो था, RDS था। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है सिंपल सा। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला स्टेप है इसमें RX के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, हेटरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, जिससे क्या होगा कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो R की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और हमारा बनेगा कार्बन आयन। तो बच्चों सबस्ट्रेट का जो कार्बन है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक बात तो पक्की है, आप जानते हैं कि जो हमारे हैलोजन्स होते हैं और कार्बन को सबस्ट्रेट में, आर का जो हम लोग कार्बन को कंपेयर करें कि कार्बन और हैलोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऐसे कभी हालात नहीं रहे हैं कि कार्बन हैलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए और वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाए। तो ज़रूर इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और कंडीशन क्या है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें जो CX बॉन्ड होगा, इसमें यहाँ पर जो ये CX बॉन्ड है यहाँ पे पीछे की तरफ कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, जो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कोस करे। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस आई कार्बन पे मोर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, और यहाँ पे जो बॉन्ड हेटरोटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, यहाँ से रिजल्ट क्या होगा, कार्बन आयन बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि वो कौन से ग्रुप बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जिसमें नाइट्रो, कार्बोक्सिलिक, नाइट्राइल, एराइल और हमारा कीटोन, ये कुछ कॉमन ग्रुप हैं। अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो वहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कोस होगा और हमारा कार्बन आयन बनके बाहर आ जाएगा। बात करते हैं स्टेप 2 की। तो आपको बताया कि स्टेप 2 जो होता है फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आयन्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस स्टेप में हमारा कार्बन आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू ये पास आते हैं, और यहाँ पे डोनेशन होता है, डोनेशन के थ्रू क्या होगा, दे विल कंबाइन टूगेदर टू गिव द RE प्रोडक्ट। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SE1 रिएक्शन की। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई दो स्टेप में रिएक्शन होती है, तो पहले स्टेप में जो बनने वाला कार्बन आयन है उसका कॉन्फिग्रेशन कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, तो कोई भी एकदम से ऐसा नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली उसकी शेप या कॉन्फिग्रेशन क्या होगा। इसका रीजन आपको आगे चलेगा पता, अभी शुरू करते हैं। आइए, इन फर्स्ट स्टेप प्रिडिक्शन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ऑफ आयन इज डिफिकल्ट। जो बता रहे थे आपको पहले स्टेप में बॉन्ड क्लीव होगा, बॉन्ड क्लीव से कार्बन आयन बनेगा, तो कार्बन आयन का कॉन्फिग्रेशन या उसकी शेप को कोई भी बता नहीं सकता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बन आयन है वो दो तरह का बनता है। तो आइए देखते हैं,
It is due to the structure of forming carbon ion, as it may be sp3 or sp2 in shape or configuration. दो possibilities होती हैं carbon ion के बनने की, और जब दो तरह के hybridization होंगे carbon ion की तो उनकी shape और उनके configuration भी अलग अलग होंगे. अगर sp3 hybridized carbon ion बनता है तो pyramidal in shape होगा, और अगर sp2 hybridized हमारा carbon ion बनता है तो that will be planar in shape. अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि आप भी सही कह रहे हैं. आपने पढ़ा हुआ है कि जो carbon ion होता है वो simply sp3 hybridized होता है, और carbocation जो होता है वो हमारा sp2 hybridized होता है, यानी कि carbon ion कभी भी sp2 नहीं हो सकता, लेकिन हम बता रहे हैं कि sp2 होता है. तो यहाँ पे एक पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती ही बनती है. जनरली मिनिमम एनर्जी कंसेप्ट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन. होता क्या है कि जो sp3 और sp2 दो पॉसिबिलिटी है कार्बन आयन बनने की, ये डिपेंड करती है कि आपका सबस्ट्रेट कैसा है, आपने कैसा स्टार्टिंग मटेरियल लिया हुआ है. लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो जो एनर्जी फैक्टर होता है, आप जानते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ही इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है. अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैरियर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आयन की एनर्जी कम होती है, तो ये मोर कॉमन होता है. अब बता रहे थे कि आपको कहां पे मिलता है sp2, तो उसके लिए कुछ आपको याद रखना पड़ेगा. कुछ स्पेशल केस हैं जो सबस्ट्रेट आप बताया था, अब वो बताने का टाइम आ गया है. sp2 हाइब्रिडाइज कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन आयन इज मोर कॉमन इन एलाइलिक टर्शियरी एमीन और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट. आपको ध्यान रखना है कि ये तीन केस हैं, ये तो एलाइलिक सबस्ट्रेट होगा या टर्शियरी एमीन होगा या बेंजाइलिक होगा, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आयन ही बनेगा. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस शो करते हैं ये, जिसकी वजह से जो कॉन्फिग्रेशन है, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp3 से sp2 में चला जाता है ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर. नेक्स्ट लेते हैं. सो इन SE1 रिएक्शन प्रोडक्ट इज ऑलवेज रेसिमिक बिकॉज sp2 फेवर्स इट. आप जानते हैं कि जो sp2 होता है वो प्लेनर होता है, तो जब sp2 हमारा प्लेनर होगा, तो बच्चों sp2 प्लेनर होगा तो वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो दो तरफ से अटैक करेगा. लेकिन sp3 में भी ऐसा ही होता है. आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिपिंग और इन्वर्जन ऑफ sp3 कार्बन आयन ऑल्सो गोज फॉर रेसिप्रोडक्ट. यानी कि अगर ये देखिए मार्कर अभी ऐसे लिया हुआ है, अब कुछ देर के बाद ये मार्कर जो है वो घूम के ऐसे हो जाता है, और फिर ये जो आप देख रहे हैं हेड जो है घूम के इधर चला जाता है, तो दिस इज नोन एज फ्लिपिंग. हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आयन है, उसमें ये इजीली होता रहता है, और हमारा कार्बन आयन लगातार ऐसे ऊपर नीचे अपनी पोजीशन को, अपने लोन पेयर को चेंज करता रहता है. देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्लिपिंग का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको. देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन आयन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे रिवर्सिबल शो साइन शो किया हुआ है, तो यहाँ पे फ्लिपिंग हो रही है. यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हेड की तरफ है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में डाउनवर्ड आ गया है. समझने के लिए मान लीजिए डाउनवर्ड आ गया है, तो आपको देख पा रहे हैं कि लोन पेयर की पोजिशन चेंज हो रही है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल है. तो इलेक्ट्रोफाइल के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो किस तरफ से लोन पेयर के साथ में, यानी कि बॉन्डिंग करने वाला है, एक इधर से और एक इधर से. तो दैट विल रिजल्ट इनटू रेसिमिक प्रोडक्ट, यानी इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा. तो आप देख पा रहे हैं कि चाहे वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आयन हो या फिर sp2 कार्बन आयन हो, प्रोडक्ट हमेशा रेसिमिक ही बनेगा. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देख के SE1 रिएक्शन की कोई ये तो बता सकता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हमारा कार्बन आयन कैसा होगा. उसके लिए आपको उसके सबस्ट्रेट का आइडिया होना जरूरी है. अब लेते हैं बच्चों फैक्टर्स फेवरिंग SE1. ये SE1 का लास्ट टॉपिक है कि वो कौन से फैक्टर होंगे जो SE1 को फेवर करेंगे, रिएक्शन को इजीली कराएंगे. यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं. पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अभी आपको डिस्कस भी किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री में. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट रहेगा वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है कि रिएक्शन SE1 से जाएगा या SE2 से जाएगा. तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंस ऑन एल्काइल ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट फेवर्स. जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर ग्रुप लगा होगा हमारे सबस्ट्रेट में, उतना ही इजीली रिएक्शन जाएगा SE1 के थ्रू. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें रिएक्शन होनी है CX बॉन्ड पे. आप देख पा रहे हैं CX बॉन्ड पे रिएक्शन है, ये हमारी जो है रिएक्टिव साइट है, पोलर साइट है, यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है.
तो रिएक्टिव साइट में जो हमारा सबस्ट्रेट का कार्बन है उस पर आप देखिए कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन एराइल में ये नाइट्रो एराइल है और ये खाली हमारा एराइल लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो ये कोज करते हैं माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से बॉन्ड क्लीवेज हेटरोटिक होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा सबस्ट्रेट ये कार्बन पे आएंगे और इजीली बनेगा हमारा कार्बन आयन। क्लियर है? तो अब है हमारा सेकंड पॉइंट, डेट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स ड्यू टू सॉल्वेशन। आप जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, तो कार्बन आयन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वाटर हमारा पोलर होता है, तो पोलर चार्ज होने की वजह से जो कार्बन आयन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लिटिल बिट, और वो कहलाता है सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी, उतना ही रिएक्शन स्मूथली जाएगा। तो ये दो फैक्टर आपको याद रखने हैं, पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा है हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं दे फेवर SE1 रिएक्शन। क्या क्लियर है आपको? तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया, आओ देख लेते हैं। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया SE रिएक्शन क्या होता है, हमने डिस्कस किया टाइप कितने होते हैं, हमने डिस्कस किया SE1 टाइप को, उसका मैकेनिज्म देखा, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखी कि रिएक्शन होता कैसे है, कितनी तरह के कार्बन आयन्स बनते हैं, और हमने देखा वो कौन से फैक्टर होंगे जो SE1 को अफेक्ट करेंगे, रिएक्शन को ईजिली कराएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द SE1 रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।